हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट लखीमपुर खीरी। मैं हूं आपके साथ आपका केमिस्ट्री मेंटोर सौरभ। ठीक है, तो हम लोग आज अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 3 पर पहुंच गए हैं। पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने IUPAC का इंट्रोडक्शन और सैचुरेटेड कंपाउंड्स की कैसे नेमिंग करते हैं वो हमने सीखा था। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन के ऑप्शन पर ऑल वाले बटन को क्लिक जरूर करिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको जो भी आपका लेक्चर होता है उसका PDF आपको वहां पर तुरंत मिल जाता है। ठीक है, और बहुत सारे इंफॉर्मेशंस जो आपके लिए होती है वो आपको सबसे पहले इस ग्रुप पर, चैनल पर मिल जाती है। ठीक है, आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड लेक्चर की तरफ। मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ, आप थर्ड लेक्चर को देखें, इससे पहले इसका सेकेंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर दोनों को जरूर देख लें, क्योंकि वो बेसिक्स है IUPAC का। तो अगर वो आप समझ जाएंगे तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आप उसको जरूर देखिए। दोनों लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए जाकर के उसे जरूर देखिए। अब हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं IUPAC के नेमिंग से। IUPAC का नेमिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है साइड चेन के अंदर साइड चेन। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर ये एक साइड चेन है और इस साइड चेन में भी आपको साइड चेन दिख रही है। ठीक है, तो इसलिए आप यहां पर इसको आसानी से समझ सकते हैं कैसे इसका नेम करेंगे। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे नंबरिंग करनी है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये यहाँ 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 कार्बन है। अगर आप इस तरफ से भी नंबरिंग करते हैं तो भी आपको ये 5th पोजीशन पर ही मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो आपका ये सब्स्टिट्यूएंट दिया है इसकी भी नंबरिंग करनी है। जैसे यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, ये इनकी भी नंबरिंग करनी है। अब यहाँ पर ये सेकेंड पोजीशन पर 2 बार और सब्स्टिट्यूएंट आया है। ठीक है, ये यहाँ पर 2 बार सब्स्टिट्यूएंट और आया है, तो इसका कैसे नाम लिखते हैं वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले 5th पोजीशन पर आया है, तो इसलिए मेन चेन में 5th पोजीशन पर आपका सब्स्टिट्यूएंट आया है, तो इसलिए यहाँ पर 5 लिखेंगे। फिर आपको एक ब्रैकेट लगाना है और वहाँ पर आपको ये जो अंदर वाले जो 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, यानी साइड चेन में जो साइड चेन है वो वाला सबसे पहले लिखना है। तो ये सेकंड पोजीशन पर 2 बार आया तो होगा 2, 2 डाई, फिर होगा क्या मिथाइल, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, हाँ ये हो गया क्या डाई मिथाइल, और फिर आपका जो मेन साइड चेन है उसका नाम क्या होगा प्रोपाइल। ये क्या हो जाएगा बेटा प्रोपाइल, फिर हो जाएगा आपका ब्रैकेट बंद। और फिर आप चलिए रूट वर्ड पे, रूट वर्ड है 9 कार्बन का, तो इसलिए हो जाएगा नोन, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या होगा बेटा एन, नोन एन, ये आपका नाम हो जाएगा। ठीक है, कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठिए और इसको नोट करते रहिए आप अपनी कॉपी पर। कुछ भी छूट जाता है तो उसके लिए PDF है, आप PDF में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे और इन क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व भी आप अपने खुद से करते रहिए। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2, फिर ये यहाँ पर 3, ये यहाँ पर 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8 और फिर यहाँ पर 9, 9 कार्बन हो गए। अब यहाँ पर ये जो है ये आपका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहाँ पर नंबरिंग कैसे होगी, ये होगी 1, ये होगी 2 और ये होगी 3। ठीक है, ये यहाँ से आपने नंबरिंग क्यों नहीं करी, नंबरिंग वहां से करते हैं जो मेन चेन से वो जुड़ा होता है। ये यहां पर मेन चेन आपकी ये है पेरेंट चेन, ये वाली पेरेंट चेन है ऊपर 9 कार्बन की, तो उससे जुड़ा कार्बन उसको पहला नंबर मिलता है,
और फिर अगर आप इधर चले जाएंगे तो छोटी चेन हो जाएगी ना, तो एक और दो, तो इस तरफ आएंगे तो तीन कार्बन मिल रहे हैं, इसलिए आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको लिखना है, तो आप लिखिए, क्या लिखेंगे, फोर्थ पोजीशन पर आया है आपको ये कॉम्प्लेक्स, तो पहले फोर्थ पोजीशन लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और अब अंदर वाले पे नाम लिखना शुरू करिए। पहली पोजीशन पर आपको क्या मिला, मिथाइल, तो आप लिख दीजिए वन मिथाइल, तीन कार्बन है तो इसके लिए आ जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वन मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद। अब देखिए और भी सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये देखिए पहला, दूसरा और एक ये यहां पर तीसरा, तीन है तो इनका नंबर सबसे पहले लिखेंगे, नंबर क्या आएगा इनका, टू कॉमा टू कॉमा सेवन, तीन हो गए तो इसलिए क्या लिखेंगे, ट्राई, फिर मिथाइल, और ये कितने कार्बन है टोटल, नौ कार्बन है, इसलिए क्या लिखेंगे, नून, और सिंगल बॉन्ड के लिए इन, नोनीन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इजी पीजी एकदम आसान से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का ये लेक्चर है बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, कोई बड़ा लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि अब जो अगला टॉपिक है वो अलग है, अनसेचुरेटेड जो कंपाउंड है उनका नेम कैसे करते हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसलिए हम दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, अलग अलग छोटा कम कम पढ़ेंगे, लेकिन आसानी से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि एक ही बार में वो चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाएं। समझ में आ रहा है, वो सारी चीजें आपके दिमाग में एक ही बार में बैठ जाएं, इस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार आपको देखना ना पड़े। ठीक, तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला, यहां पर नंबरिंग कैसे करेंगे, तो यहां होगा वन, ये होगा टू, यहां पर आएगा थ्री, ये आएगा बेटा फोर, ये आएगा फाइव, फिर होएगा सिक्स, फिर सेवन और फिर एट, ये हो गया। अब यहां पर जो आपकी साइड चेन है यहां पर भी नंबरिंग होगी, ये होगा वन और ये होगा टू। अब ये टू आप उठा करके यहां भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इधर से आपको मिथाइल मिलेगा, तो सबसे पहले आप लिखेंगे फोर, नाम करना शुरू करते हैं। चार नंबर पर आपको मिल रहा है क्या, पहली पोजीशन पर मिथाइल, तो हो जाएगा वन मिथाइल, फिर क्या होएगा, फिर होगा इथाइल, फिर ब्रैकेट को बंद करो, ब्रैकेट को बंद करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ऑक्ट, और फिर क्या होगा, इन, तो हो जाएगा ऑक्टेन। एकदम क्लियर, कोई डाउट यहां तक, ठीक है, ये वन लिखा हुआ है, कोई डाउट है यहां तक, कोई भी डाउट अगर है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपके लिए खुला है, आप उसको जरूर लिखिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां पर बेटा नंबरिंग कैसे करेंगे, यहां पर कई सारे लोग ये स्ट्रेट कार्बन का नंबरिंग करते हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रेट कार्बन पर अगर नंबरिंग करोगे तो नौ कार्बन मिलेंगे, तो कहां से करेंगे सर, तो यहां से करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11, 11 कार्बन आपके सामने हो गए। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स नहीं बचा अभी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब हम किसको पहले लिखेंगे, तो यहां पर दो बार इथाइल आया तो पहले इथाइल वाला लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, चलिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर दिखेगा नहीं आपको, ये यहां पर मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, फाइव, फिर कॉमा सिक्स, डाई इथाइल, डाई इथाइल, फिर आप देखिए थ्री और एट पर आएगा आपका डाई मिथाइल, मैं दूसरी लाइन में लिख रहा हूं लेकिन आपको उसी लाइन में कंटिन्यू करना है। ठीक है, डाई इथाइल, और 11 कार्बन के लिए बेटा आता है अनडेक। ठीक है, अनडेक, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगाएंगे, इन, अनडेकेन। फिर से एक बार बता देते हैं, फाइव और सिक्स, या ये पोजीशन पर आपको आया है इथाइल और एक ये पोजीशन पर आपको आया है इथाइल, तो दोनों को लिखेंगे कैसे, नंबरिंग करेंगे, फाइव कॉमा सिक्स डाई इथाइल, तीसरी पोजीशन पर आपको मिथाइल आया है और आठवीं पोजीशन पर मिथाइल आया है, तो लिखेंगे डाई मिथाइल, 11 कार्बन है इसलिए 11 कार्बन के लिए लगाते हैं बेटा
रूट वर्ड में 11 कार्बन के लिए अंडिक यूज करते हैं। प्राइमरी सफिक्स में आपको क्या लगाना है, एन, ठीक है। ये सारी चीजें हमने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में एक्सप्लेन करी हैं, जाइए जाकर के उसे जरूर देखिए, अदरवाइज आपके आधे अधूरे कॉन्सेप्ट रह जाएंगे और आप चीजों को आसानी से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर थे। अब हम आपको प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में कुछ बातें बताने चल रहे हैं। देखिए, प्राइमरी प्रीफिक्स में एक चीज होती है साइक्लो वर्ड, ठीक है। साइक्लो क्या होता है वो चीज हम आपको बता रहे हैं। देखो, अगर चेन, अगर कोई भी आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है और वो क्लोज है, ठीक है, वो क्लोज स्ट्रक्चर है, चाहे वो 3 कार्बन का हो, 4 कार्बन का हो, 5 कार्बन का हो, 6 कार्बन का हो, कितने भी कार्बन का है, अगर वो क्लोज है तो उसका नाम लिखने से पहले आपको साइक्लो वर्ड लगाना है, ठीक है। तरीका वही रहेगा, देखो तरीका क्या रहेगा, तरीका यही रहेगा कि सबसे पहले आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है, फिर आपको प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना है, ठीक है। तो ये जो आप ही मैं बता रहा हूँ ये प्राइमरी प्रीफिक्स में आएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या लिखा जाएगा, साइक्लो, जो अभी बता रहे हैं उसके लिए क्या लिखा जाएगा, साइक्लो। फिर क्या आएगा, रूट वर्ड, और फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स, और फिर आएगा सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। देखिए, हमने आपको कल भी बताया था और पीछे और लेक्चर में बताया है कि जितने कॉर्नर दिख रहे हैं इनका मतलब क्या होता है, कार्बन। तो यहाँ पर टोटल कितने कार्बन हैं, 3 कॉर्नर। 3 कॉर्नर का मतलब क्या नाम क्या हो जाएगा कि प्रोप, ठीक है। तो नाम हो जाएगा इसका प्रोप, लेकिन ये क्लोज चेन है इसलिए सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्या है, कोई भी सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, इसलिए हम प्राइमरी प्रीफिक्स पर जाएंगे। तो नाम हो जाएगा साइक्लो, 3 कार्बन है इसलिए आ जाएगा प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं इसलिए क्या आएगा, ईन, प्रोप ईन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यहां पर भी कोई भी साइड चेन नहीं लगी है, इसलिए हम फिर से आपको सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड से ईन, ब्यूटीन। अब यहां पर 5 कार्बन है, आप देखिए, पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, और कोई भी साइड चेन नहीं है इसलिए क्या लगाएंगे, साइक्लो और पेंटेन। कितना इजी है, इतनी इजी केमिस्ट्री भी हो सकती है क्या, एकदम हो सकती है। आसान भाषा में समझिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आपको अच्छी तरीके से कोई एक्सप्लेन करे। लाख लाख रुपए देकर के आप जाते हैं कोचिंग में और आपको इस तरीके का एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता है, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, फिर से कोई भी साइड चेन नहीं है तो आप साइक्लो लिख दीजिए, 6 कार्बन दिख रहे हैं तो आप क्या करिए, आप हेक्सीन लिख दीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से करना है, ये हो जाएगा, अब आपको यहां पर साइड चेन दिख गई तो आप नंबरिंग अप करना शुरू करिए। जो साइड चेन है इसको क्या करेंगे, पहला नंबर देंगे, फिर 2, यहां 3, 4, 5 और 6, ठीक है। नाम भी इसी तरीके से लिखेंगे, क्या नाम लिखा जाएगा, 1 इथाइल, फिर से लिख रहे हैं हम, 1 इथाइल और साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स, और फिर क्या लगाएंगे, हेक्सीन, ठीक है। अब देखिए, ये वाला शायद आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। अब इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे, देखिए ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो इसलिए नंबरिंग पहले इसको देंगे, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, फिर ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5 और ये होगा 6, ठीक है। इस तरीके से नंबरिंग यहां पर करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये कल ही हमने आपको बताया था, लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट सम रूल और अल्फाबेटिकल रूल, ये तीनों रूल कल आपको बताए गए थे, तो उम्मीद करता हूं आपको याद भी होंगे, ठीक है। तो अब यहां पर पहली पोजिशन पर आता है इथाइल, तो 1 इथाइल, 2 मिथाइल, 1 इथाइल 2 मिथाइल,
साइक्लो साइक्लोहेक्सीन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अब देखिए ये कुछ तीन क्वेश्चंस हैं। अब देखिए तीन क्वेश्चंस इसको करते हैं। सबसे पहले आप इसमें भी नंबरिंग, क्योंकि ये इथाइल है इसलिए यहीं से स्टार्ट होगा, फिर होगा 1, 2, फिर ये होगा 3, ये होगा 4, ये 5, ये 6, 6 कार्बन हो गए। नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखेंगे 1 इथाइल, और फिर क्या करेंगे, डैश लगाइए, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर मिथाइल है तो लिख जाएगा डाई मिथाइल, और फिर लगाइए साइक्लो, और फिर आ जाएगा आपका हेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए कैसे हम नंबरिंग करेंगे, इसमें कहां से करेंगे नंबरिंग? बेटा यहां से शुरू होगी, ठीक है, और फिर यहां पर, फिर ये हो जाएगा ये थर्ड, ये होएगा फोर्थ, ठीक है, ये नंबरिंग। अब यहां पर नाम लिखिए, तो नाम हो जाएगा 1, 2 डाई इथाइल, 3, 4 1, 2 डाई इथाइल, 3, 4 डाई मिथाइल, डैश नहीं लगाया बीच में, और साइक्लो ब्यूटेन। अब क्या करें, अब अगले वाले क्वेश्चन को करते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ये यहां पर आएगा 1 क्योंकि ये इथाइल है, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये हो गया 5, ठीक है। फिर यहां पर क्या होगा, 1 इथाइल 2, 4 डाई मिथाइल, 2, 4 डाई मिथाइल, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना था। अब इसके आगे बेटा जो है वो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। तो अब हम लोग आपको, अब आपको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास किस चीज की होगी? नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि कैसा आपको समझ में आया, ठीक है, और शेयर तो करना बिल्कुल मत भूलिए। ये आपका रोज का काम होना चाहिए, आपको सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए इस चैनल को। जितना ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, जितने ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, उतना ज़्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा मैं आपके लिए और डेडिकेट हो। तो जितना ज़्यादा आपको कंटेंट मिलेगा, आपको फ़ायदा उतना ही होगा, ठीक है। और अभी CUET का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो आप उन बच्चों को भी ये ज़रूर से फॉरवर्ड करिए इस वीडियो को, ताकि उनका भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।